हमारे तीसरी वेव तो ना आए, यही हमारी इच्छा है। और अभी नागपुर के फिगर्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कोई परिस्थितियां बिगड़े तो महानगर पालिका के साथ मिलकर निशुल्क रूप से आरटीपीसीआर टेस्ट करने की एक बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर हुई है। मैं वैसे एनसीआई का एक और चीज के लिए बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जिस समय ये सेकंड वेव खत्म हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि थर्ड वेव ये शायद बच्चों तक पहुंचे, उस समय हमारी महानगर पालिका के साथ हम लोगों ने बैठक की और एनसीआई ने ये निर्णय लिया कि महानगर पालिका के साथ बच्चों का 200 बेडेड हॉस्पिटल हम लोग शुरू करेंगे। जो कैंपस की एक नई यूनिवर्सिटी की इमारत तैयार हुई है वहां पर हम तैयार करेंगे, और उसके लिए जो इक्विपमेंट्स है उसका संचालन भले महानगर पालिका करेगी, पर जो भी इक्विपमेंट्स है वो एनसीआई वहां पर देगा, चाहे फिर वो पीएसए प्लांट हो या फिर बच्चों के लिए लगने वाली सारी जो चीजें वहां पर है। और अब वो सारी चीजें देने की शुरुआत भी हमने की है। मैं अभी महापौर जी को पूछ रहा था तो महापौर जी ने कहा है कि 2 अक्टूबर तक हम लोग उसका पूरा काम कर लेंगे, और नागपुर शहर के लिए अगर इस प्रकार की परिस्थिति आती है और थर्ड वेव आती है और या बच्चों को कहीं अफेक्ट करती है तो बहुत ही आधुनिक और उनको केटल कर सके इस प्रकार का 200 बेडेड हॉस्पिटल महानगर पालिका और एनसीआई मिलकर वहां पर शुरू करेंगे। तो मैं इस पहल के लिए भी एनसीआई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ।